Hi, good afternoon to everyone, and welcome to a session on the topic of premenopausal bleeding and bleeding after menopause. We're pleased to have Dr. Anjali Taneja among us to educate us on the topic. There can be a variety of causes for pre- and post-menopausal bleeding, some even affecting our health. So we are pleased to have her as an expert so she can shed some light on the topic. Doctor, you have the stage. So hi, good morning all. Hello. So I'm Dr. Anjali Taneja, Senior Consultant, Obs and Gynae, Apollo Federal Hospital, Indirapuram. So today we are going to discuss about period problems. आज हम बात करेंगे महीने में होने वाली समस्याओं के बारे में. बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, किसी भी फीमेल को अफेक्ट करती है पीरियड्स के शुरू होने से लेकर एंड तक, मेनार्की से लेकर मेनोपॉज तक और पीरियड एंड होने के बाद तक, पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड में भी ये किसी भी महिला को परेशानी दे सकती है. सो बहुत कॉमन है, आप अकेले नहीं हो तो इस, लेकिन काफी बार हमने देखा है कि महिलाएं हिचकती हैं, सोचती है कि शायद नॉर्मल होगा बिकॉज कॉमन है तो मेरी फ्रेंड को भी हो रहा है, होता ही है. टाइमली इंटरवेंशन नहीं होता, टाइमली डिस्कस नहीं करती है, जिसकी वजह से काफी बार कुछ महिलाओं को आगे चल के प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है. सो द बेसिक एम फॉर टूडेज डिस्कशन वॉज टू प्राइमरली एनफोर्स वॉट इज नॉर्मल एंड वॉट इज नॉट नॉर्मल, कि क्या नॉर्मल है क्या नॉर्मल नहीं है और हमें कब एक डॉक्टर के पास सलाह के लिए जाना है. तो अगर आपको लगता है कि आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम है, आज के सेशन के बाद अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, सलाह लें और अपने ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ें. तो 40 की एज के बाद ये जो टाइम है मेनोपॉज तक का, दिस इज मेडिकली कॉल्ड एज पेरीमेनोपॉज. इस समय पीरियड्स में प्रॉब्लम होना काफी ज्यादा कॉमन है, पीरियड्स की प्रॉब्लम होना. तो जब हम प्रॉब्लम कह रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि समस्या है, तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि नॉर्मल क्या है. तो नॉर्मल क्या है और समस्या क्या है, तब हमें लगे कि ये समस्या और हमें जाना है. तो इसको हम कुछ पैरामीटर्स पर समझेंगे. तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि मुझे कितने दिन ब्लीडिंग होती है, कितने दिनों के बाद ब्लीडिंग होती है, क्या मेरा साइकिल रेगुलर है, ब्लीडिंग बीच बीच में तो नहीं हो रही है, महीने के मैं बहुत ज्यादा पेनफुल तो नहीं है कहीं मेरा पीरियड. तो ड्यूरेशन ऑफ साइकिल, लेंथ ऑफ साइकिल, रेगुलरिटी, अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, पेन ड्यूरिंग पीरियड, तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट. अगर आपको ब्लीडिंग एक पीरियड में 80 ml से ज्यादा हो रही है, अब हम मेजर नहीं कर सकते कि 80 ml कैसे मेजर करेंगे. बेसिकली अगर आपको लगता है कि आपको पैड या टेम्पून बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज करना पड़ता है, इफ़ यू फील कि मेरा लाइफ स्टाइल अफेक्ट हो रहा है, मेरा जो डेली का कामकाज है उसमें अवरोध पैदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, क्लॉट्स पास हो रहे हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं, बहुत थका हुआ लगता है, चक्कर आते हैं, तो ये ब्लीडिंग डेफिनेटली ज्यादा है. आपने हीमोग्लोबिन चेक कराया, आप अच्छे से डाइट लेते हो लेकिन हीमोग्लोबिन कम आ रहा है, देन दिस कैन बी द कॉज. तो दैट इंडिकेट्स कि ब्लीडिंग जो हो रही है वो आपको ज्यादा हो रही है. अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ डेज की. तो 1 to 7 days ब्लीडिंग होना नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको 7 दिनों से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो इसको हम नॉर्मल नहीं कह सकते हैं. इट मे बी पॉसिबल कि आप 2-3 दिन बहुत ज्यादा ब्लीड कर जाते हो, उसी में ही ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है. इट मे बी पॉसिबल कि होती थोड़ी थोड़ी है लेकिन वो लंबा चलती रहती है, 10-10 दिन चलती रहती है, तो थोड़ा थोड़ा करके भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है. देन वी कम टू ड्यूरेशन ऑफ साइकिल. अब ड्यूरेशन कैसे देखते हैं, तो जिस दिन पीरियड स्टार्ट हुआ उसका पहला दिन और उसका अगला पीरियड जब स्टार्ट हुआ उसका पहला दिन, तो दो सेपरेट जो साइकिल्स आए उन दोनों का जो फर्स्ट डे है दैट इज योर साइकिल लेंथ. तो फॉर एग्जांपल मार्च में पीरियड आया 15 तारीख को, अप्रैल में आया 4 तारीख को, द डे ऑफ स्टार्टिंग. तो साइकिल लेंथ हमारी हुई 15th मार्च से 4th अप्रैल के बीच की, तो अराउंड 20 days, ये हमारा साइकिल लेंथ है. Anywhere between 22 to 35 days is okay. लेकिन अगर आपका पीरियड 22 days से पहले आ रहा है
या 35 डेज से लेट आ रहा है, तो अगेन हम उसको नॉर्मल में नहीं रखेंगे। वी नीड टू इवेल्युएट कि पीरियड जल्दी क्यों आ रहा है, या अगर लेट आ रहा है तो लेट क्यों आ रहा है। पीरियड अगर बहुत ज्यादा पेनफुल है, आपको पेन किलर्स लेने पड़ते हैं, या आप उठ नहीं पाते हो, बेड रिडन हो जाते हो, ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ जाती है, तो भी ये ठीक नहीं है। तो अब हमने डिस्कस कर लिया कि नॉर्मल क्या है। तो अगर आपको लगता है कि आपका पीरियड नंबर ऑफ डेज, ड्यूरेशन ऑफ साइकिल, अमाउंट ऑफ फ्लो, पेन, या बीच बीच में दो साइकिल्स के बीच में एक बार पीरियड आया खत्म हो गया, दोबारा आया खत्म हो गया, लेकिन उसके बीच बीच में कभी कभी स्पॉटिंग हो जाती है, या एज के साथ आपका पीरियड बंद हो चुका है, बंद हुए हुए 6 महीना हो गया है, और उसके बाद फिर से ब्लीडिंग हो गई, जिसको हम कहते हैं पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीड। ऐसा कुछ भी अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये सब एबनॉर्मल की श्रेणी में आएंगे। एबनॉर्मल मतलब ये रेड अलर्ट साइन है किसी अंदर छुपी हुई बीमारी के, जिसको हमें आगे इवेल्युएट करना है और देखना है कि ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम आते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट उनका सबको यही सताएगी कि अच्छा अगर ऐसा है तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर भी आपसे इन्हीं सब पैरामीटर्स पर आपकी डिटेल हिस्ट्री लेंगे, एग्जामिन करेंगे एंड आपसे कॉजेज डिस्कस करेंगे। काफी बार ये कॉजेज नॉन कैंसरस होंगे, तो एकदम से घबराने की या चिंता की कोई बात नहीं है, बट इनको जांचने की, ट्रीट करने की जरूरत है। कॉमन कॉजेस क्या हो सकते हैं, जैसे कि पॉलिप। अब हमें ये समझना है कि हर औरत के पास एक बच्चेदानी है, वुम्ब, यूट्रस जिसे हम कहते हैं। बच्चेदानी की एक लाइनिंग होती है जिसे हम परत कहते हैं। जैसे इसे हम आसान भाषा में ऐसे समझे कि हमारे घर की दीवार है, उस पर हम पेंट या प्लास्टर करते हैं, तो दीवार जो है बच्चेदानी की लाइनिंग है, और उसके ऊपर जो पेंट है वो उसकी दीवार जो है वो बच्चेदानी की लाइन, बच्चेदानी की वॉल है, और जो उसके ऊपर पेंट है वो बच्चेदानी की लाइनिंग है। ओवरीज होती है दो, और दो ट्यूब्स होती हैं। ओवरीज से फीमेल हार्मोन्स आते हैं, जिनके इफेक्ट में जो बच्चेदानी की लाइनिंग है वो हर महीने ग्रो करती है। अगर प्रेगनेंसी नहीं आती है तो ये लाइनिंग हर महीने शेड ऑफ हो जाती है इस पीरियड। तो इस तरीके से नॉर्मल पीरियड चलता है। कभी कभी यह लाइनिंग ज्यादा बढ़ जाने पर बच्चेदानी की कैविटी में ही, बच्चेदानी की जो अंदरूनी कैविटी है उसी के अंदर एक ग्रोथ बना लेती है, जिसको पॉलिप कहते हैं। अब और क्या कॉजेज हो सकते हैं, जैसे एडिनोमायोसिस। ये सब मेडिकल टर्म्स हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ रिलेटिवली इजी लैंग्वेज में। इसको हम ऐसे समझे कि अभी मैंने बताया कि बच्चेदानी, मान लीजिए दीवार है, इसके ऊपर ये एक झिल्ली है, एक परत है, तो ये परत इसके ऊपर है, जब महीना आया ये झड़ गई, लेकिन कभी कभी ये इस दीवार के अंदर ग्रो होना शुरू हो जाती है, जिसको हम एडिनोमायोसिस कहते हैं। इस तरीके की बच्चेदानियां भारी होती हैं, पीरियड में बहुत पेन करती है, रिलेशनशिप बनाने में पेन करती है, पीरियड में ज्यादा ब्लीडिंग होना, पीरियड का जल्दी आना, पेनफुल पीरियड, हैवी पीरियड, अर्ली पीरियड जैसी समस्याएं ये करती है। पेट में हर वक्त नीचे भारीपन लगना, ये समस्या ये कर सकती है। जनरली 40s की एज में ये प्रॉब्लम मैनिफेस्ट करती है। कभी कभी इस लाइनिंग में, इस लाइनिंग को हम मेडिकली बोलते हैं एंडोमेट्रियम। आप में से कभी अल्ट्रासाउंड किसी का हुआ होगा तो आप देखेगा उसमें टर्म लिखा होता है एंडोमेट्रियम। तो जो लाइनिंग की हम बात कर रहे हैं, एंडोमेट्रियम की बात कर रहे हैं। कभी कभी इसमें ही इस तरीके के चेंजेस हो जाते हैं जो आगे चलकर एजिंग के साथ कैंसर का रूप तक धारण कर सकते हैं। फिर अलग किस्म के कारण हो सकते हैं, जैसे कि इनहेरेंटली खून जमने की शक्ति कम होना। इसमें हिस्ट्री रहेगी कि मेरा कोई डेंटल प्रोसीजर हुआ था तब मेरे को ब्लीडिंग ज्यादा हुई थी, या डिलीवरी के बाद मुझे ब्लीडिंग ज्यादा हुई थी, तो इस तरीके का हिस्ट्री हमें मिल सकता है। फिर और कॉजेस हो सकते हैं, जैसे ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन, मतलब अंडा ठीक से रिलीज नहीं होता है ओवरीज से, जो कि 40 के बाद की महिलाओं में काफी कॉमन है। फिर हो सकता है आप कुछ दवाइयां खा रहे हो जो आपकी पीरियड्स को या ब्लीडिंग को अफेक्ट कर रही हो। तो इस तरीके से हमने जाना कि क्या क्या कॉजेस प्रोबेबल हो सकते हैं। कभी कभी कुछ मरीजों में ये ब्लीडिंग
प्री कैंसरस या फ्रैंकली कैंसर होने का संकेत भी हो सकती है। तो जब आप जाएंगे एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास, वो आपको चेक करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, प्रोबेबल कॉजेज आपसे डिस्कस किए जाएंगे एंड कुछ टेस्ट आपको एडवाइस किए जाएंगे। इनमें से कॉमन टेस्ट विल बी एक बेसिक हीमोग्लोबिन, क्योंकि अगर किसी को इतना ब्लीडिंग हो रहा है, ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो एक हीमोग्लोबिन हम देखते हैं कि खून की कमी तो नहीं हो रही है। कुछ हार्मोन्स जैसे थायराइड, जो कि ब्लीडिंग पैटर्न को अफेक्ट करते हैं, एक अल्ट्रासाउंड, टीवीएस इफ पॉसिबल, क्योंकि टीवीएस बेटर होता है यूट्रस को इवेल्युएट करने के लिए, जिसमें हमें फॉलेट, फाइब्रॉइड, एडिनोमायोसिस इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमें पता लग सकती हैं। काफी बार ये अल्ट्रासाउंड नॉर्मल भी आ सकता है डिस्पाइट कि आपको ब्लीडिंग का समस्या हो रहा है। अगर आपकी उम्र 40-45 से ज्यादा है, तो आपको एक टेस्ट दिया जा सकता है कराने को, जिसको एंडोमेट्रियल बायोप्सी या झिल्ली या परत की जांच हम कहके बताते हैं। हमें ये समझना है कि 90% पेशेंट्स में जो रीजन है ब्लीडिंग का वो नॉन कैंसरस ही होगा। बहुत सारे जो मैंने कॉजेस डिस्कस किए उनमें से ही कुछ होगा, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये आगे चलकर समय के साथ किसी और होने वाली प्रॉब्लम जैसे प्री कैंसरस या कैंसर का संकेत भी हो सकता है। इसलिए क्योंकि इन चीजों का रिस्क एज के साथ बढ़ जाता है, या अगर हिस्ट्री पे और कोई रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई होता है, तो आपको एक टेस्ट एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी सजेस्ट किया जा सकता है। काफी बार बायोप्सी से हमें एक घबराहट, एक डर पैदा होता है, तो हमें ये समझना है कि बायोप्सी एक जांच है, इसे डरने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको कोई कट, पट्टी, चीरा ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई बेड रेस्ट ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं होता है। ये टेस्ट ओपीडी में ही करा जा सकता है। बहुत सारा टेस्ट का, बहुत सारा एनेस्थीसिया का कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होता है, इट्स अ सिंपल टेस्ट, बट अगर ये रिक्वायर्ड है तो ये कराना चाहिए। कई बार बायोप्सी हिस्टरोस्कोपिक गाइडेड भी सजेस्ट करी जाती है। हिस्टरोस्कोपी एक प्रोसीजर है जिसमें एक दूरबीन आपकी बच्चेदानी में डाल के, बहुओं में, उसको अंदर से देखा जाता है और उसमें गाइडेड बायोप्सी ली जाती है। अगर ये रिक्वायर्ड है तो केस टू केस बेसिस पर आपके डॉक्टर आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने बोला, 85-90% संभावना बायोप्सी की रिपोर्ट नॉन कैंसरस आएगी और आपको अकॉर्डिंगली आगे ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में बायोप्सी की लाइनिंग में ऐसे चेंजेस आ सकते हैं जो अगर अनट्रीटेड रहे तो फ्यूचर में चलकर आपको ये प्रॉब्लम एज एन कैंसर का रूप भी धारण कर सकते हैं। ऐसे में यू मे जिस मे बी सजेस्टेड रिमूवल ऑफ द बोन। तो लेट अस कम टू द ट्रीटमेंट। द ट्रीटमेंट विल डिपेंड ऑन द कॉज, कि जो रीजन निकला आपका ब्लीडिंग पैटर्न एबनॉर्मल होने का, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट की जाएगी। जैसे अगर पॉलिप है तो उसको दूरबीन वाली सर्जरी या हिस्टरोस्कोपिक गाइडेड सर्जरी जो आजकल हम कहते हैं, उससे निकाल दिया जाता है। अगेन ये सर्जरी जनरली सेफ होती है, एज अ डे केयर प्रोसीजर करी जाती है, और इसमें बहुत ज्यादा बेड रेस्ट या बेड चीरा फाड़ी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एडिनोमायोसिस जो हमने बताया आपको अभी अभी, जिसमें जो लाइनिंग है वो बच्चेदानी के अंदर ग्रो कर जाती है, इसमें पहले दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ हार्मोनल हो सकती हैं या नॉन हार्मोनल हो सकती हैं, जो डिटेल में आपके केस के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। बहुत सारे मरीजों को, ऑलमोस्ट 80-90% को उनसे आराम भी आ जाता है। अगर किसी को दवाई से आराम नहीं आए, या पेशेंट दवाई खाने में इंटरेस्टेड नहीं है, या कोई और रीजन है, सूट नहीं कर रही है दवाई, तो फिर यूट्रस निकालने का सोचा जा सकता है। सर्जरी इज नॉट अ फर्स्ट ऑप्शन इन सच केसेस। फिर एक बहुत कॉमन कंडीशन जैसे कि फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स बहुत कॉमन है। अगर हम फीमेल्स का अल्ट्रासाउंड कराएं, काफी बार उसमें फाइब्रॉइड्स रिपोर्ट होते हैं। तो हमें ये समझना है कि एक कॉमन कंडीशन है और हर फाइब्रॉइड को ट्रीट करने की जरूरत नहीं होती है। ये कैंसर नहीं है और इसमें कैंसरस चेंज आए इसकी संभावना ही बहुत कम होती है। ये आपकी ही बच्चेदानी की मसल है जो एक तरीके से गुच्छा बना लेती है। अगर फाइब्रॉइड बड़ा है, सिम्टम घटे गए, आपको कोई परेशानी दे रहा है,
या उसकी लोकेशन इस तरीके की है कि उसको ट्रीटमेंट का जरूरत है, तो फिर हम उसको कहते हैं कि आपको इलाज की जरूरत है। तो डिपेंडिंग ऑन योर एज प्रेफरेंसेस, ओनली फाइब्रॉइड कैन बी रिमूव और यूट्रस कैन बी रिमूव इफ द ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। ट्रीटमेंट में सो वी डिस्कस्ड की मेडिसिन्स हैं और सर्जिकल ऑप्शंस हैं। मेडिसिन्स में आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं ताकि खून की कमी ना हो, फिर नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट दी जाती है ताकि पीरियड्स में ब्लीडिंग कम हो, ब्लीडिंग का ड्यूरेशन कम हो जाए, एंड देन वी हैव हार्मोनल ट्रीटमेंट्स जिसमें खाने वाली गोलियां होती हैं, पीरियड वुम्ब के अंदर रखने के लिए ऑप्शन होता है मरीना। तो केस टू केस बेसिस पर डिपेंडिंग ऑन द कॉज वो डिसाइड किया जाता है। बिकॉज हमने ये सेशन में कवर करना है अराउंड मीनोपॉज एंड पोस्ट मीनोपॉज, सो आई विल बी टच बेसिंग पोस्ट मीनोपॉज ऑल्सो। मीनोपॉज इज वे जब आपका पीरियड खत्म हो गया, एक साल के लिए अब आपको पीरियड नहीं आया, दैट इज मीनोपॉज। जब मीनोपॉज हो जाता है तो बच्चेदानी की ये लाइनिंग सिकुड़नी शुरू हो जाती है, ये धीरे धीरे सिकुड़ जाती है। अगर किसी को 6 महीने तक पीरियड नहीं आए और उसके बाद ब्लीडिंग हो जाए तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये टोटली अबनॉर्मल है और ये इवैल्यूएशन के लिए क्वालिफाई करता है, इट इज अ रेड अलर्ट साइन। तो इसको बिल्कुल नॉर्मल नहीं समझिए कि ये तो होता ही है मेनोपॉज के अराउंड, लेट आता है और फिर बंद हो जाता है। अगर आपको 6 महीने महीना नहीं आया और फिर पीरियड आ गया, ब्लीडिंग हो गई, स्पॉटिंग हो गई, तो प्लीज ओपीडी में गायनेकोलॉजिस्ट को मिले, दिखाएं और इवैल्यूएशन कराएं, ये नॉर्मल नहीं है। सो आई कंक्लूड टू दिस सेशन। द मेन रीजन आई वॉन्टेड दिस सेशन टू बी कंडक्टेड वॉज सो दैट द फीमेल्स एट होम आर एबल टू डिफ्रेंशिएट वॉट इज नॉर्मल, वॉट इज नॉट नॉर्मल, वेन टू सी द डॉक्टर एंड वॉट टू एक्सपेक्ट वेन दे कम एंड विजिट अस। काफी बार एक हिचक होती है बात करने में, काफी बार एक हिचक होती है गायनेकोलॉजिस्ट के क्लिनिक पर जाने में, फियर फैक्टर भी ऑब्जर्व करते हैं हम लोग कि क्या होगा, क्या बोलेंगे, हमेशा सर्जरी तो नहीं कह देंगे। तो नहीं, हर प्रॉब्लम का इलाज सर्जरी नहीं होता। हर बार हो सकता है वो प्रॉब्लम भी ना हो, पर हो सकता है कभी सच में प्रॉब्लम हो और उसे ट्रीटमेंट की जरूरत हो। तो पहले तो हमें समझना है कि नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है, फिर उसको इवैल्यूएट कराना है और फिर उसके लिए हमें सही ऑप्शन ऑफ ट्रीटमेंट देखना है। थैंक यू, आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चंस नाउ। Can, am I audible? Am I audible? Hello? बोल रही हूँ, ये बंद करें। एम आई ऑडिबल?